आज हम लोग जानेंगे कि संगीत किसे कहते हैं, संगीत यानी म्यूजिक। तो सबसे पहले कि संगीत कहते किसको है, वह ध्वनि जो व्यवस्थित और सांस्कृतिक रूप में जिसमें ताल लय और स्वर तीनों समान भाव से प्रकट हो उसे संगीत कहते हैं। संगीत में मुख्य तत्व है जिसमें होता है स्वर लय ताल श्रुति और भाव। स्वर स्वर को जिसमें को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पिच। तो स्वर में होता है, जैसे स्वर कितने होते हैं, स्वर हमारे सात होते हैं। कौन कौन से, सा रे ग म प ध नि सा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर। लय समय का विभाजन और ताल का संयोजन जिसमें संगीत को गति और रचनात्मक मिलती है उसे कहते हैं हम लोग लय। ताल यानी पिट्स जिसको हम लोग रिदम कहते हैं। लय को ताल को सबका अलग अलग विभाजन है। तो ताल ताल को संगीत का मापन और जिसकी संरचना जो समय को मापता हो उसे ताल कहते हैं। श्रुति यानी माइक्रोटोन्स मुख्य स्वर के बीच की सूची ध्वनि जो भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण है। दो स्वरों के बीच में अगर हम लोग कोई गाना गाते हैं या कुछ भी गाते हैं तो एक छोटा सा मुखड़ा या कुछ आकार लेते हैं उसको श्रुति बोलते हैं, जो छोटे से क्षण के लिए रहता है गाने के द्वारा। उसके बाद भाव जिसको हम लोग इंग्लिश में इमोशंस कहते हैं। भाव संगीत के माध्यम से व्यक्ति की गई भावनाएं या मूड जिसे शांति सुख या किसी भी तरीके से प्रस्तुत हो उसे भाव कहते हैं। जैसे हम लोग कोई हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं तो जिसमें हम लोग को सैड सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें इमोशनल होते हैं, सैड होते हैं। हैप्पी वाला सॉन्ग सुनते हैं तो हम लोग खुश होते हैं। डांस वाला सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें हम लोग डांस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इमोशंस होते हैं। गाने के फील को उसी को हम लोग कहते हैं इमोशंस। अब संगीत कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानते हैं। संगीत पांच प्रकार के होते हैं। सबसे पहला शास्त्रीय संगीत जो हम लोग घरे हम लोग जब भी पढ़ाई या कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले जो बेस चीज होता है, जैसे पढ़ने के क्रम में जाएं तो सबसे पहले हम लोग ABCD क ख ग ये सब जानते हैं तो वो बेस होता है। तो म्यूजिक में भी वैसे ही संगीत का सबसे बेस है शास्त्रीय संगीत। दूसरा होता है लोक संगीत जो हम लोग हर एक जगह सुनते हैं, का पारंपरिक गीत या कुछ भी, जैसे जहाँ का किसी भी स्टेट के कोई भी लोग हों तो उनके जो भी स्टेट में जो फेमस वहाँ का कल्चर है। जैसे हम लोग क्या होता है कि इंडियन में छठ का सॉन्ग, दुर्गा पूजा का सॉन्ग, ये सब सॉन्ग पारंपरिक गीत होते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग लोकगीत। दूसरा होता है फिल्मी सॉन्ग। तीसरा होता है फिल्मी सॉन्ग। फिल्मी सॉन्ग जो हम लोग बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं, चाहे भी किसी भी इंडस्ट्री के सॉन्ग हो, जिसको हम लोग लोकगीत फिल्मी सॉन्ग कहते हैं। फोर्थ होता है पॉप सॉन्ग जिसको हम लोग गाने के द्वारा ना करके एक शब्द के द्वारा, रैप के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको, रखते हैं उसको कहते हैं पॉप सॉन्ग। चौथा होता है धार्मिक सॉन्ग जो हम लोग भजन सुनते हैं, भजन हो गए या जो गाने होते हैं जिनको हम लोग सुबह सुबह प्रेयर में गाते हैं, वो सब भजन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं धार्मिक सॉन्ग। मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही आपको बताया था कि सारे जो संगीत के प्रमुख तत्व हैं उनके बारे में। तो कौन कौन से हैं, पहला है स्वर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पिच। सेकेंड है लय जिसको हम लोग बोलते हैं रिदम। थर्ड है ताल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बीट। फोर्थ
फोर्थ है श्रुति, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो टोन। फिफ्थ है भाव, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इमोशन। जैसा कि हमने अभी बताया कि संगीत के प्रमुख तत्व सबसे पहले है स्वर, जिसको हम लोग पिच बोलते हैं, लय जिसको हम लोग रिदम बोलते हैं, ताल जिसे हम बीट बोलते हैं, श्रुति जिसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोटोन्स, और भाव जिसको हम लोग इमोशन बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि स्वर के संगीत के प्रकार जो हमने बताया है, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, फिल्मी संगीत, पॉप संगीत एंड धार्मिक संगीत, उनके बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संगीत के प्रकार होते हैं शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, फिल्मी संगीत, पॉप संगीत एंड धार्मिक संगीत, तो उनके बारे में। फर्स्ट है शास्त्रीय संगीत। सेकेंड है लोक संगीत। थर्ड है फिल्मी संगीत। फोर्थ है पॉप संगीत। फिफ्थ है धार्मिक संगीत। जैसा कि मैंने बताया था कि ये पांच जो संगीत के प्रकार हैं, लेकिन मुख्य तौर पे तीन ही मेन अहम जो संगीत के प्रकार है वो है शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, फिल्मी संगीत। फिल्मी संगीत में ही पॉप संगीत और धार्मिक संगीत आ जाता है। तो ये सारे संगीत के प्रमुख और विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लय के बारे में और स्वर के बारे में, ताल के बारे में। थैंक यू सो मच।